और झारखंड में आज से 45 साल से ऊपर और 60 साल तक के बुजुर्गों का वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हो गया। रांची के कई स्थानों पर गाइडलाइंस के अनुसार वैक्सीनेशन सेंटर काम कर रहे थे। ऐसे उम्र के लोगों की अच्छी खासी भीड़ सदर अस्पताल में जमा भी हो रही थी। एक रिपोर्ट देखिए। कभी वैक्सीनेशन सेंटर पर इतनी भीड़ एक साथ नहीं जुटी। एक तो स्वास्थ्य कर्मियों की लाइन है जो सेकेंड डोज लेने आई है, और बुजुर्ग नागरिक वैक्सीनेशन के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। रांची में प्रशासन ने आईएस क्लब, डोरंडा, रिसालदार बाबा मजार और सदर अस्पताल में बुजुर्गों के वैक्सीनेशन का सेंटर बनाया है, जहां पर लोग सुबह से अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। इंजेक्शन ले लिया? हाँ, ले लिया। अच्छा, अच्छा काम किया? जी हाँ, जरूरी है। जरूरी है। क्या कहना चाहिएगा दूसरे को? हाँ? दूसरे लोगों को क्या कहना चाहिएगा? लोगों को भी लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए। इससे जो है कोरोना पर भी नियंत्रण होगा, हमारा कंट्रोल देश जो है सब बच जाएगा, ये कोरोना से बच जाएगा। बिल्कुल फिर जैसा पहले था वैसे अभी भी है, और कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे से जो है सिस्टर्स वगैरह जो है डॉक्टर्स को देखे हैं, और ऑब्जर्वेशन रूम में है, आधा घंटा बोला है रुकने के लिए। आई थिंक एवरीथिंग इज ओके। अचानक वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भीड़ का उमड़ना इस बात का संकेत है कि लोग एक बार फिर कोरोना संकट से भयभीत हैं। कोरोना की जांच वाली कतार भी लंबी होती चली जा रही है। लंबे इंतजार के बाद अब आम आदमी का नंबर आया है। अगर आप 45 साल के ऊपर हैं और आपको हाइपरटेंशन, बीपी, शुगर जैसी बीमारी है, तो इसके सबूत के साथ आप किसी भी सरकारी सेंटर पर जाकर मुफ्त डोज ले सकते हैं। सर, सबसे पहले उनका यहाँ पर टेस्ट करना है, बीपी वगैरह उनका मेडिकल जांच है, उसके बाद फिर हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना, उसके बाद वैक्सीनेशन। अब कितने एज के लोग आ सकते हैं? सर, 60 इयर्स तक आपके। हाँ, 49 इयर्स तक। अगर आप सरकारी भीड़भाड़ से बचना चाहते हैं तो निजी अस्पतालों में जाकर 250 रुपए में वैक्सीन का डोज ले सकते हैं, चाहे कहीं भी लें। मगर कोरोना के प्रति सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि कोरोना संकट अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, और अब तो देश के प्रधानमंत्री ने भी खुद वैक्सीन का डोज ले लिया है। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन अरविंद के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और कोरोना महामारी को